आज का सब्जेक्ट है की एंड कीवेज, चाबी और चाबी घाट। इसके बारे में जान लेते हैं। किसी असेंबली में पार्ट्स को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के माध्यम प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से की भी एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे दो पार्ट्सों को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। यह कैसे कार्य करता है, इसकी बनावट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। की एक प्रकार का धातु का छोटा पीस होता है, जिसके द्वारा दो पार्ट्स को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। यह एक लोहे का सॉलिड शाफ्ट है। शाफ्ट है जिसमें एक पुल्ली को इसके साथ जोड़कर चलाना है। तो क्या किया जाएगा कि इस पुल्ली को इस शाफ्ट पर चढ़ा करके शाफ्ट पर गति दिया जाए तो पुल्ली उसके साथ गति में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, बिना किसी साधन के अगर पुल्ली को हम साफ चढ़ाते हैं तो यह फ्री घूमेगा, कोई रुकावट नहीं है इसमें। इसलिए इसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए चाबी का प्रयोग किया जाएगा। चाबी का प्रयोग करने के लिए साफ पर एक कीवेज यानी चाबी घाट बनाया जाता है और पुली में भी एक कीवेज यानी कि चाबी घाट बनाया जाता है। चाबी का आकार इस तरीके का होगा। इस चाबी को जब हम शाफ्ट में लगाएंगे तो इसका आधा भाग शाफ्ट के कीवेज के अंदर रहेगा और आधा भाग उठा हुआ होगा। ये उठा हुआ जो भाग है, जो आधा भाग बाहर निकला हुआ है, यह पुल्ली के हब में सेट करेगा और आधा निचला जो भाग है शाफ्ट में सेट करेगा। इसके बाद अगर हम चाबी लगाने के बाद पुल्ली को चढ़ाते हैं तो ये शाफ्ट के साथ ये भी गति में आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि जब चाबी को लगाएंगे शाफ्ट पर और उसके बाद अगर पुल्ली चढ़ाते हैं तो चाबी का आधा जो भाग है ये शाफ्ट कनेक्ट में रहेगा और ऊपर का आधा जो भाग है ये पुल्ली के हब के कनेक्ट में रहेगा। इस स्थिति में अगर शाफ्ट चाल लेता है तो आपका पुल्ली भी उसके साथ साथ चाल लेगा। तो यहाँ समझना है की और कीवेज कितने प्रकार के होते हैं। यह दो वर्गों में बांटा गया है, की को चाबी को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है संक की और दूसरा है सैडल की। पहले हम संक की के बारे में समझेंगे। संक की का प्रयोग लोड, जहां अधिक लोड की आवश्यकता है उस स्थिति में कनेक्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए संक की का प्रयोग करते हैं। जहां पर शाफ्ट के साथ अधिक लोड के साथ पुल्ली को चलाना है वहां पर संक की का प्रयोग करते हैं। संक की के अंतर्गत हमारा 5 की प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें नंबर 1 है प्लेन टेपर की। प्लेन टेपर की का चित्र जो है आपके सामने है बोर्ड पर। ये चौड़ाई में समानांतर तथा मोटाई में टेपर होता है। इसकी चौड़ाई जो है ये समानांतर होगा और जो मोटाई है ये टेपर में, यानी कि अगला भाग
का साइज जो है यह कम होता है। इसकी बनावट प्लेन टेपर की बनावट यह है, इसको आप ध्यान से देखिए। दूसरा है राउंड टेपर की, इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह वृत्ताकार राउंड में है, वृत्ताकार है और राउंड में है और टेपर है, वृत्ताकार राउंड टेपर में बना हुआ है, एक तरफ का व्यास अधिक है और दूसरी तरफ का व्यास कम है, इस तरह से ये राउंड टेपर की हुआ। नंबर तीन है जीव हेड की, जीव हेड की चौड़ाई और मोटाई के बनावट में समानांतर होता है, अंतर केवल ये है कि इसके एक साइड में एक कॉलर लगा होता है, एक कॉलर लगा होता है जिसको हम शाफ्ट में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसकी बनावट है जीव हेड की। नंबर चार है फैदर की, फैदर की मोटाई और चौड़ाई में समानांतर होता है, हेवी ड्यूटी लोड के लिए, हेवी ड्यूटी लोड के लिए फैदर की का प्रयोग किया जाता है। नंबर पांच वुडरफ की, वुडरफ की को देखिए आप ध्यान से, ये अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है, मोटाई में समानांतर होता है और अर्धवृत्ताकार होता है। इसका अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल शाफ्ट पर किया जाता है, और ये जितने पांचों आपका की है या हेवी ड्यूटी के लिए प्रयोग किया जाता है। अनुपात को थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लेन टेपर की का अनुपात होता है 1:100, राउंड टेपर की का अनुपात होता है 1:50। ये समानांतर है, सिर्फ कॉलर निकला हुआ है, ये मोटाई और चौड़ाई में समानांतर होता है। इस प्रकार इन सब का प्रयोग है जिसको आप ध्यान से देख लीजिए।